10 दिन तक घरों और पंडालों में विराजित रहने के बाद मुंबई में भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लाल बाग के राजा समेत सभी प्रमुख गणेश मंडलों में आरती के बाद गणपति की विसर्जन यात्रा शुरू हो गई है। ढोल नगाड़ों के साथ लाल बाग चा राजा को विदा किया जा रहा है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ गणेश जी को लोग विदा कर रहे हैं। गणेश विसर्जन को देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ मुंबई में 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी विभिन्न घाटों और समुद्र किनारे पर तैनात रहेंगे। नेवी और एनडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य रिजर्व पुलिस बल, एसआरपीएफ, दंगा नियंत्रण दस्ता संदिग्ध चीजों को पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए बीडीडीएस, क्यूआरटी और डॉग स्क्वाड के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार अगर विसर्जन के दौरान इन ब्रिजों पर कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए गणेश पंडाल के सदस्य जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि विसर्जन मार्ग की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए 129 स्थानों पर बप्पा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।